तो नमस्कार दोस्तों, दो चक्का स्कूटी ड्राइविंग में आप सभी का स्वागत है। फिर मैं आज आया हूँ एक नए टॉपिक को लेकर, और आज का आप लोग टॉपिक देख ही लिए होंगे। ये हमारे चारों तरफ आपको दिख रहा होगा, मैं रेगिस्तान में आया हूँ ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये रेगिस्तान नहीं है, पूरा बालू है, है ना। पूरा ये जो है कि ये बेसिकली गंगा घाट है, तो इसके आसपास जो है कि रेत है बहुत सारा। तो आप लोग का बहुत सारा क्वेरी ये था कि रेत में हमारी जो गाड़ी है वो फिसल के गिर जाती है, किस कारण से गिरती है, और रेत में कैसे आपको चलाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि जहाँ भी हमारा रेत होता है, जैसे ये जो अभी ये जो रेत आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो रेत दिख रही है ये आपको रोड पे नहीं दिखेगी, बहुत कम दिखेगी। येल्लो वाला जो बालू होता है वो ज़्यादा रोड पे दिखता है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन में आता है, ठीक है। तो उस पर क्या होता है, हमारा गाड़ी बहुत ज़्यादा फिसल जाता है। ये भी अगर रोड पे गिरेगा तो फिसल जाएंगे आप, है ना, और बहुत चांसेस है कि गिर भी जाओगे। तो अगर कहीं भी रेत मिले, है ना, कहीं भी बालू मिले, तो हमेशा आप लोग एक बात का ध्यान रखना कि बालू जब आ जाए या फिर गाड़ी हमारी फंस जाए, जैसे अभी यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा रेत, और मैंने गाड़ी जानबूझकर यहाँ पर लगा रखी है, ताकि होता क्या है कि बालू से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद देखिए, अभी जैसे मैं एक्सीलेटर लूँगा और आप लोग का पाँव अच्छे से पहुँचना चाहिए, पाँव ऊपर आप रख के अगर चलाओगे तो बहुत चांसेस है गिरने का, 99% चांस है, एकदम गिरना ही गिरना है। मतलब समझ लो कि 100 में से 99 की आप गिर जाओगे अगर पैर आपका ऊपर रहेगा तो। इसलिए मैं एक ही सजेशन दूंगा कि पैर हमेशा आपका नीचे होना चाहिए, दोनों टिका के, क्योंकि जब रेत में हम लोग चलाते हैं तो देखिए अभी क्या होगा। अभी जब मैं एक्सेलेरेट करूंगा तो अभी गाड़ी कैसे इधर उधर बबल खाएगी, जैसे आप सामने अभी देखिएगा कि गाड़ी वो भी गई कैसे कैसे, वो निकाले उनका पैर जो है नीचे ही था, तो पैर हमेशा नीचे रहेगा जब भी आप रेत से निकालेंगे। तो देखिएगा अभी जैसे यहाँ निकालूंगा, यहाँ थोड़ा सा इधर से होकर देखिए, अभी ये जैसे मैं एक्सेलेरेट किया, देखिए मैं जाना चाह रहा था उधर लेकिन वो उधर चला गया। तो रेत में क्या होता है ना, गाड़ी इधर उधर बहुत ज़्यादा जाता है, जिगजैग, इसमें एकदम कंट्रोल से बाहर होता है हमारे। और अगर आप सोच रहे हो कि इसमें कंट्रोल कर लूँगी मैं पाँव ऊपर करके, तो कोई नहीं कर पाएगा, है ना, पाँव नीचे रखना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी एक्सपर्ट बंदा हो, कितना भी एक्सपर्ट हो, तो आपको पाँव नीचे रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप रेत में कभी भी फंस जा रहे हो तो एक्सेलेटर लेके, और ये दोनों पाँव की चिंता मत करना कि जूता हमारा गंदा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, रेत हर वक्त नहीं मिलता है, कभी कभी मिल जाएगा, ठीक है। तो आराम से एक्सेलेटर लेना है आपको, और आराम से पाँव का सपोर्ट ले लेकर ऐसे ऐसे लेकर, और आराम से यहाँ से निकलना है, ठीक है। हैंडल बहुत ज़्यादा मुड़ेगा बालू में, हैंडल बहुत ज़्यादा इधर उधर मुड़ेगा, तो हैंडल को आपको ज़ोर से पकड़ना होगा, ठीक है। हैंडल को अगर आपने ढीला पकड़ा तो हैंडल घूम के और बालू में आप लेकर गिर जाओगे, ठीक है। इसीलिए इन बातों का ज़रूर आप लोग बालू पे ध्यान रखना। और जहाँ पर यहाँ तो बहुत ज़्यादा रेत है, सिर्फ रेत ही रेत है, इसलिए यहाँ गाड़ी फंस रही है। जब रोड पे क्या होता है, रोड पे बहुत कम रेत होता है, तो उस रेत में गाड़ी फिसल जाती है, है ना। तो उस जगह पे भी हम लोग को पैर नीचे हवे में कर लेना है, ताकि वो गाड़ी जो है स्लाइड ना करे। और जो रेत के पास ब्रेक आप लोग कभी यूज़ मत कीजिएगा, याद रखिएगा, जब भी रेत में चल रहे हैं ना तो ब्रेक यूज़ मत कीजिएगा। एक्सीडेंटली अगर ब्रेक आपने यूज़ किया तो आपकी गाड़ी स्लिप खानी खानी है, बिल्कुल 100% खानी है। अगर मान लो आप जैसे एकदम आ रहे हो स्पीड से, अचानक से आपने रेत के पास ब्रेक लगाया, बस सीधा नीचे, कोई उपाय नहीं है फिर उसके बाद, ठीक है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, रोड के लिए मैं बता रहा हूँ, जब भी रोड पे हो वहाँ पर आपको स्लो करना है पहले ही, जैसे आपको रेत दिखे, और धीरे धीरे एक्सेलेरेट करके वहाँ निकलते रहिए। ब्रेक कभी यूज़ मत कीजिएगा रेत पे, रेत पे ब्रेक यूज़ कीजिएगा, और ख़ासकर ये फ्रंट अगर यूज़ किए तब तो काम ख़त्म है आपका, खेल ख़त्म, फिर कोई उपाय नहीं है, ठीक है। और इसके साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो स्कूटी का, तो पटना, रांची, भोपाल, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ और दिल्ली में जिन लोगों को लेना था ट्रेनिंग, दिल्ली में भी ओपन हो चुकी है, लक्ष्मी नगर में, और भी अलग अलग लोकेशन से अगर आप लोग दिल्ली में हो तो बस कॉल कीजिए, ट्रेनर आपके लोकेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो दिल्ली के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बाकी जो हमारी ब्रांचेज है पटना, रांची, ये सब, वो सब भी आप ओपन है, आप आराम से आइए और ऑफलाइन ट्रेनिंग लेकर यहाँ से जाइए, ठीक है। तो बस यही हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, बाकी आप यहाँ पर एक देख लीजिए, अभी मैं चला कर दिखाऊँगा और वीडियो को एंड करूँगा, ठीक है। देखिए बालू में कैसे देख रहे हो, ऐसे आप लोग गिर जाओगे। मेरा काफ़ी ज़्यादा पैर लंबा था तो मैंने संभाल लिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पीड से निकलोगे गिर जाओगे, धीरे धीरे करके बालू से निकलना है, ये बात हमेशा ध्यान रहे, ठीक है। गाड़ी बहुत ज़्यादा बालू में क्या होती है ना, चक्के फंसते हैं, बिल्कुल काटना चाहता है वो बालू को, और वो काटने के चक्कर में गाड़ी इधर उधर zigzag जाता है, ठीक है, जैसे अभी आपने प्रैक्टिकली देखा। फिर आप लोग सीधे ऐसे लेकर ये एकदम ऐसे गिर जाओगे,
कोई उपाय नहीं है। ठीक है, देखें कैसे ये धूल फेंका, तो ये चीज़ है, गिर जाओगे और फिर चोट भी लग जाएगी। बालू में तो कम चोट लगी, लेकिन क्यों गिरना है, सेफली आराम से वहाँ से निकालना है। ठीक है, फिर इसी वीडियो के साथ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।